फ्रेंड्स, सोनास क्रिएटिविटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स स्टूडेंट डिज़ाइन का पार्ट 6, यानी कि छठा पार्ट है। 5 तक हमने शेयर कर दिया है पूरा टोटल फ्रेंड्स। स्टूडेंट बनके कंप्लीट है गेट पर्दे का डिज़ाइन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बाकी जो आपको दिखाना है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं आज ही, पूरा ये स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ पे स्टूडेंट को कंप्लीट कर, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हमने सब में झालरी स्टिच कर ली है, देख सकते हैं आप लोग। वैसे सेम जैसे यहाँ पे हमने झालरी स्टिच की है ना, सेम वैसे यहाँ भी झालरों को स्टिच करना है। लेकिन फ्रेंड्स अभी मेरे पास वूल है, लेकिन अभी हमने उसको कट नहीं किया है, स्टिच नहीं किया हुआ है, उसको बनाना है, तब उसको पम फ्लावर बना करके स्टिच करना है, ठीक है। तो ये हम बाद में कर लेंगे। और देखिए नीचे, ये देखिए झालरें बना करके रखी हैं, यहाँ पे भी झालरों में पम फ्लावर्स लगने हैं, ठीक है। और ये देखिए कितने का हमने बनाया है, यहाँ पे 4-4 का बनाया है, ठीक है। और ये जितने भी थ्रेड्स हैं ना, इनको आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए इन थ्रेड्स को पकड़ के दोनों को यहाँ पर गांठ लगा लीजिएगा, और गांठ लगाने के बाद कट कर दीजिएगा, ठीक है। सारे थ्रेड्स, जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स दिख रहे होंगे आपको ना, अभी हमने भी कटाई छटाई नहीं की है, केवल इसको बना करके कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक गैप छोड़ा हुआ है, देखिए किस तरीके से एक और झालर फ्रेंड्स बनानी है। देखिए एक यहाँ पे बनी हुई देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी एक ठो और बनाना, ठीक है। एक एक का स्किप किया हुआ है हमने। तो फ्रेंड्स बने रही वीडियो के एंड तक, और चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस झालर को बनाएंगे, और उसके बाद से फिर पम फ्लावर स्टिच करके पूरा हम ये तुरंत कम्प्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक नॉट लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए क्रोशेट हुक हमारा वही है जो कि हम यूज़ करते हैं अक्सर, आप लोग जानते हैं ये कि क्रोशेट हुक है हमारा जिसी को हम यूज़ करते हैं। और फिर चलिए देख लेते हैं यहाँ से, देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट में हमने बना लिया है। फिर यहाँ पे बीच में एक गैप में हमने छोड़ा था स्पेस, देखिए एक का स्पेस देना है। देखिए यहाँ पे एक स्किप करेंगे, यहाँ पे एक स्किप करेंगे, और यहाँ बीचों बीच में यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सारे हमने बना करके कम्प्लीट किए हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे एक नॉट लगाएंगे, एक और नॉट लगा लीजिए धागे को थोड़ा सा खींचते हुए, यहाँ पे बनाएंगे पफ, तो 2, ठीक है, 3, 4, 5, यानी कि 5 टाइम्स इसको राउंड कर लेना है। और फिर 1 एक बार, और 2, 3, 4, फिर इसको भी इसी तरीके से राउंड कर लेना है। तो इस तरीके से हमें 8 बनाने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना लेते हैं, और उसके बाद से इसको स्टिच करके दिखा देते हैं। फिर चलिए हम पम फ्लावर्स स्टिच करेंगे, कहाँ कहाँ हमें स्टिच करना है सारा कुछ देख लेते हैं। आज हमारा टोरंट पूरा फुल डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। बस इसमें पम फ्लावर्स स्टिच करना है, और सारा हमने बना करके कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 बन गया है, हाफ और बना लेते हैं फिर दिखाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर बना लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइंट करने के बाद धागे को कट करेंगे, ये एक नॉट लगा लेंगे एक्स्ट्रा में, और धागे को यहाँ पे कट कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल टोरन डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इसको बना लिया, यहाँ भी हमें पम फ्लावर्स स्टिच करने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स पम फ्लावर किस तरीके से और कहाँ कहाँ, देखिए हमने ऊपर तो पूरा स्टिच कर लिया, देख सकते हैं आप लोग सारे में हमने पम फ्लावर से स्टिच कर लिए हैं। नीचे भी यहाँ भी हमें पम फ्लावर स्टिच करने हैं, इस जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और मतलब 6 बने हैं नीचे, नीचे थोड़ा सा बढ़ गया है ये, ऊपर 5 था। और नीचे जितने भी फ्रेंड्स आपको ये दिख रहे होंगे ना, इन सब में पम फ्लावर स्टिच करना है। तो चलिए हम अपना पम फ्लावर तैयार कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। और बना करके देखिए फ्रेंड्स जितनी थ्रेड्स हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है इस पम फ्लावर्स को, सब हमको कट करना है, देख सकते हैं आप लोग। अभी हमने कट नहीं किया हुआ है, तो सारा कुछ आपको हम दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स। ये देखिए सब ऐसे कट कर दीजिएगा तो क्लीन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और लुक अच्छा आएगा, फिर पता नहीं चलेगा कहाँ से स्टिच किया हुआ है। तो इस तरीके से जितना भी थ्रेड्स आपको दिखेगा ना, उस तरीके से आप सारा कुछ निकाल करके इसको इस तरीके से देखिए, ये देखिए है ना, देखिए यहाँ पे भी बहुत थ्रेड्स दिख रहे होंगे आपको, और ये देखिए इसे भी ऐसे ही कट करके निकाल लेना है सारा कुछ। जहाँ भी एक्स्ट्रा थ्रेड आपको दिखे आप कट करके साइड कर दीजिएगा। अभी हमने भी कट नहीं किया हुआ है, अभी पम फ्लावर्स को देख लेते हैं और कहाँ कहाँ स्टिच करना है उसको भी देखें, इसका पूरा लुक तैयार फाइनलाइज कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बने रही वीडियो के एंड तक फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं, है ना, बाद में हम कट करेंगे, थोड़ा सा बता दिया कट करना आपको। देखिए कितना प्यारा, कितना लॉन्ग टोरन बनके कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है, वाइट एकदम, है ना।
ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए इसको देखिए थ्रेड है ना, इसको भी कट करना है, देख सकते हैं आप लोग इसको भी, ये देखिए इस तरीके से कट कर दिया जाएगा तो लुक इसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। अभी उतना खास नहीं लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स इस तरीके से। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे मोतियाँ स्टिच कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अगर मोतियाँ अवेलेबल हो तो मोती स्टिच करिए, ये भी बहुत प्यारा लगेगा। रेड है पम्पम फ्लावर तो रेड मोतियाँ लगाइए, ग्रीन है तो ग्रीन लगाइए, आप चाहें पम्पम फ्लावर रेड लगा लीजिए, ग्रीन लगा लीजिए, ये येलो लगा लीजिए, जो मतलब आपके पास कलर अवेलेबल हो जो है वो लगाइए, ठीक है। चलिए हम देखें और यहाँ से इसको इस तरीके से कट करिए, हाफ हाफ कट करिए दोनों पार्ट्स को, देखिए। और वाइट वाला थ्रेड कटने ना पाए क्योंकि वाइट से हमको स्टिच करना है, इसलिए हमने वाइट वाला यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। छोटा बड़ा होगा तो बाद में उसको कट करके हम सही कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स ये पॉम-पॉम फ्लावर बनाना, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है और बहुत ही ईजी पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप जितना चाहे उतना गेट पर्दे का डिज़ाइन बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ कहाँ स्टिच करना है, चलिए हम देख लेते हैं, थोड़े से फ्लावर्स और कट कर लेते हैं जिससे कि हमें मालूम चले। पूरा ऐसे ही स्टिच करेंगे, स्टिच करने के बाद फिर नीचे थोड़ा सा जॉइंट करके झालर लगाना है और वहाँ भी पॉम-पॉम फ्लावर्स लगाने, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत टोरन डिज़ाइन इस बार और गेट पर्दे का डिज़ाइन हम बना रहे हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी किया करिए आप लोग, जिससे कि मुझे मालूम चले आगे आप लोग को कैसी नेक्स्ट कैसी वीडियो चाहिए, ठीक है। थालपोश चाहिए या टोरन गेट पर्दे का ही डिज़ाइन चाहिए तो किस टाइप का चाहिए, तो जिससे मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाया करे तो मैं आप लोग के लिए उसी टाइप की वीडियोज़ बनाया करूँगी, ठीक है। तो अभी तो देखिए ये भी आप लोग पसंद करें तो फ्रेंड्स जहाँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगे ज़रूर लाइक किया करिए और देख लीजिए आप लोग इस तरीके से पूरा कट कर लेते हैं, इतना तो हमने कट ही कर लिया है। अब चलिए बांध लेते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ हमें इसको स्टिच करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इग्नोर करिएगा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि वाइट से ही बांधें, रेड से भी आप बांधिएगा, दिखेगा नहीं धागा और अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा रेड कलर जो था ना वो बहुत ही हल्का है, वो टूट जा रहा है बहुत जल्दी, इसलिए हमने वाइट का यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। कोई मतलब दूसरा पर्पज़ नहीं था कि मतलब हमने वाइट ही क्यों लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से स्टिच करेंगे। इतना तो हमने पम-पम फ्लावर निकाल लिया, देखिए कितनी जल्दी कितना सारा हमने कट कर लिया है ना, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से चलिए अब हम इसको स्टिच करते हैं, अगर कम पड़ेगा तो हम उसको बाद में सही करेंगे। तो इसको देखिए फ्रेंड्स जो सही होगा वो इस तरीके से निकल करके आएगा, है ना, और वाइट वाला को ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ा सा इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से, जितने फ्लावर्स हैं उनको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बराबर करके छांट कर इस तरीके से निकाल लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया, देखिए इसके सारा सारा कुछ हमने इसमें कंप्लीट कर लिया, थोड़े से ये इधर नीचे वाले जो पॉम-पॉम फ्लावर्स रह गए थे बस यही इनकम्प्लीट हैं, बाकी सब कंप्लीट कर लिए क्योंकि वूल हमारे पास रेड कलर का ख़त्म हो गया था जो हमने पॉम-पॉम फ्लावर बनाया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए इसका फुल एंड फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन हमने इसको बना करके कंप्लीट किया, धागे सारे कट कर दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा बहुत ही गजब का ये टोरन डिज़ाइन गेट पर्दे का डिज़ाइन बन करके आए। देखिए सामने की हमने पम-पम फ्लावर्स नीचे तक लगा दिए हैं इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स और कितना ब्यूटीफुल ये बन करके कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग इतना हमने इसको बना करके कम्प्लीट कर लिया है, ठीक है। और ये इसकी पॉम-पॉम की जितनी फ्लावर्स हैं उतना हमने इसको कम्प्लीट कर लिया, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बना करके कंप्लीट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आप कुछ नया लेकर, किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स आपने इस टोरन को फुल देख लिया है, अगर फिर हम इस पर जो पॉम-पॉम फ्लावर्स बचे हुए हैं उसको लगा लेंगे बाद में तो फुल एक वीडियो शॉर्ट वीडियो इसकी शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग को कहीं से ये इनकम्प्लीट नहीं लगेगा, देख सकते हैं आप लोग को कहीं से इनकम्प्लीट नहीं लगेगा, कंप्लीट हमने कर ही लिया है इसको, जहाँ तक कि देखिए नीचे भी झालर लगा करके कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।